गुड मॉर्निंग इंडिया स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में रेशियो कंपटीशन से संबंधित एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक से ट्रिक तक की बातों को बताऊंगा। तो चलिए देर में करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। रेशियो यानी अनुपात, अनुपात अनुपात, ध्यान दीजिए। अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशियों को, दो सजातीय राशियों की आपस में तुलना करना है, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो दो सजातीय राशि में से मान लो ये सकता है 12 और क्या सकता है 16। इन दो राशियों को सजातीय होने का मतलब अगर अंक अंक है तो अंक अंक होना चाहिए, बीजी व्यंजक है तो बीजी व्यंजक होना चाहिए, यानी ये संबंधी क्या होता है? बी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे यह क्वेश्चन लिखा है 12 और संबंधी, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, अनुपात जो होता है वो कि दोनों अंक का सबसे अंतिम भाग होता है। ध्यान, जैसे अगर ये 2 से काटा जाएगा तो 4 से काटा जाएगा तो ये 4 या 12 हो जाएगा, 416। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन दोनों को काट सके, सेम, ठीक है। तो यह इसका कितना हो जाएगा? 1200। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए संबंधी बी बराबर कितना है? 1:2 है, और बी संबंधी सी बराबर कितना है? ये 3:3 कितना है? 4 है, 3:4 है। और आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए संबंधी बी संबंधी क्या निकालिए? सी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम इसको पहले बेसिक से समझते हैं, ठीक है, बेसिक, ठीक है, पहले बेसिक फॉर्म समझते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये बात देखिए, अगर यहाँ से अगर बहुत लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं कि ए संबंधी बी संबंधी सी दिया है, तो भाई ए का मान यहाँ समझ जाएंगे कितना? 1 दिया है। और देखिए बी का मान यहाँ 2 दिया, लेकिन यहाँ बी का मान 3 दिया, और सी का मान यहाँ सब लोग क्या करते हैं ऐसे करके 4 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू बात यहाँ ये फंस जाएगी कि भाई बी के स्थान पर क्या लिखा जाए? तो भाई इन दोनों को आपस में क्या कर लिया जाएगा? बराबर कर लिया जाएगा। बराबर करने का मतलब है कि यहाँ पे आप 3 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ पे आप कितने कर सकते हैं? 2 से। लेकिन भाई मैथमेटिक्स का एक अपना रूल होता है कि किसी एक एक अनुपात में आप गुणा नहीं कर सकते हैं, किसी एक इसके एक कंपोनेंट में आप गुणा नहीं कर सकते। जब भी गुणा करेंगे इन दोनों में गुणा करेंगे, तो जब इन दोनों में गुणा करेंगे 3 का गुणा 1 के भी साथ होगा, 3 संबंधी कितना 6 हो जाएगा, और इसमें जब 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6 संबंधी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम लोग लिखें तो भाई लिख सकते हैं भाई 3 के स्थान में क्या है? 1 है, 3, सॉरी भाई 1 स्थान पे क्या है? 3 है। और देखिए भाई बी के स्थान पे यहाँ भी 6, बी के स्थान पे यहाँ भी 6, तो यहाँ भी हम 6 लिख सकते हैं। लेकिन भाई सी के स्थान पे क्या 8 है, तो हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। यह हो गया आंसर इसका, इस क्वेश्चन का एकदम शानदार आंसर। अब देखिए आते हैं हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक क्या कहती है? जैसे मान लो ए क्वेश्चन लेते हैं, ए संबंधी बी बराबर है 1:2 है, और बी संबंधी सी बराबर कितना? 3:4। देखिए ट्रिक एकदम छोटी सी है, एकदम बेहद आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, ये संबंधी बी संबंधी क्या लिखते हैं? सी। देखिए एक का मान 1 नीचे लिख दीजिए, 1, बी का मान कितना है? 2 लिख दीजिए, ठीक है। सी का नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए, फिर बी का मान कितना दिया है? 3, या 3 लिख दीजिए संबंधी। अब देखिए सी का मान कितना दिया है? 4 दिया। आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए ट्रिक में आपको यही बातें बताया गया कि जो चीज़ें यहाँ पे खाली, यहाँ पे कुछ नहीं सी के स्थान पे, तो इसके सामने एक क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई देती है, 2 को यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। अब ये 3 के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, 3 के सामने ये इसको क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और इन सब का आपस में पूरा करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और संबंधी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यह एकदम शानदार ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहद पसंद आएगा। थैंक यू डियर।